ये देखिए, मजेदार, सब कुछ व्हाइट हो चुका है और पेड़ इतने सुंदर लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है बिल्कुल हम लोग जन्नत में आ गए हैं। माता रानी ने आज देखिए मेरी मेरा सपना सच कर दिया। आज हमें इतनी स्नो भी मिल गई और देखिए स्नोफॉल होते हुए, लाइफ में पहली बार मैं स्नोफॉल होते हुए देख रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और ये बच्चे ना हमारे पीछे पड़े हुए हैं जब से हम देवरिया ताल होके आए हैं कि हमें स्नो में जाना है। और क्योंकि आसपास ऋषिकेश के आसपास अगर स्नो देखनी है तो सबसे अच्छी जगह है चंबा धनौल्टी होते हुए हम जा रहे हैं माँ सुरकंडा देवी के दर्शन करने। वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम स्नो मिलती ही मिलती है, लेकिन आज देखते हैं कितना ट्रैक कर पाते हैं ये तो फिर भी कर लेगा। टिया मैडम का पता नहीं है कि कितना चढ़ पाएगी, लेकिन देखते हैं नज़ारे जो रास्ते में, क्योंकि पूरा रास्ता इतना ब्यूटीफुल है। हम पहले भी कई बार आपको दिखा चुके हैं लेकिन आज भी चलते हैं। आज वेदर भी बहुत अच्छा है, हो सकता है होपफुली आज हमारा सपना पूरा हो जाए, हमें स्नोफॉल मिल जाए। चलिए चलते हैं। ऋषिकेश से लगभग हम आए हैं 20 किलोमीटर नरेंद्र नगर की साइड से, तो यहाँ पर आपको एक और डेस्टिनेशन मिल जाती है, ये कुंजापुरी टेम्पल। हमने आपको एक वीडियो भी दिखाया था इसका बना के। यहाँ से बस ये लेफ्ट राइट साइड पे आपको 8 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। यहीं से बहुत प्यारा जो रास्ता है वो भी पूरा जंगल का है और बहुत ही ऊंची, क्योंकि बहुत हाइट पे है, आपको पूरी पीक्स क्लियर दिखती है वहां से। तो यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं अगर आप इस रास्ते से आते हैं। हम चले हैं लगभग 55 किलोमीटर और यहाँ से अब एक रास्ता जाता है गंगोत्री यमुनोत्री, एक जा रहा है मसूरी के लिए और यहीं से चंबा के लिए भी रास्ता कटता है। तो हम अभी जा रहे हैं धनौल्टी, तो यहाँ धनौल्टी से होते हुए हम जाएंगे मसूरी, तो इसलिए हमने ये लिया है लेफ्ट टर्न। वाओ, एक बार फिर से हम आ गए हैं इतने सुंदर, देखिए स्वर्ग में, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मूवीज़ में ही देखा है मैंने तो, जैसे स्वर्ग दिखाते हैं तो उसमें ऐसे वाइट वाइट क्लाउड्स होते हैं, नीचे फॉग उड़ रही होती है। बच्चों कैसा लग रहा है, आ रहा है ना मज़ा? ठंडा अभी तो ठंड शुरू हुई है, लेकिन देखो बहुत प्यारा नज़ारा है ये, मैं देख के रुक नहीं पाई इसको। और यहाँ से ही हमारे ये पाइन ट्रीज भी शुरू हो गए हैं, बहुत प्यारे। जय माँ सुरकंडा। यहाँ से देखिए दो ट्रैक हैं, एक ट्रैक ये बताया भैया ने, बर्फ़ यहीं से दिखनी शुरू हो गई है और आगे कह रहे हैं बहुत ज़्यादा स्नो है, तो देखते हैं अभी चल पाते हैं या नहीं, अदरवाइज फिर हम जो आगे से रूट है दूसरा उस पर जाएंगे। भैया सही कह रहे थे कि हम इस रूट से नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए अपन इनको देखना था कि कितनी बर्फ़ है। देख ली बच्चों बर्फ़? देख ली। अब दूसरे रास्ते से चलते हैं। जय माता दी। ये है मेन ट्रैक, यहीं से हम चलना शुरू करेंगे और बच्चों ने भी हिम्मत दिखा रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए। हमने इन्हें ऑप्शन दिया था कि अगर यही रुकना है तो रुकना है। किसी भी ट्रैक पे जब चलते हैं ना, हम स्टार्टिंग के 100 मीटर लगता है टफ है, लेकिन फिर भी देखो टिया ने हिम्मत दिखा दी। बच्चों ये शुरू हो जाएंगे ना चेयर लिफ्ट, तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा और मुझे लगता है लगभग 6 महीने में शुरू हो जाएगा, तो जो लोग ट्रैक नहीं कर पाते हैं उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। लगभग 100 मीटर हम ऊपर आए हैं अभी। कितनी खूबसूरत वादियाँ दिख रही हैं, फॉग ऐसे चलती हुई नज़र आ रही है, इट्स अमेजिंग। इस ट्रैक पे बिल्कुल भी स्नो नहीं है, इनफैक्ट थोड़ी थोड़ी हमें दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि ट्रैफिक है, लोग आ भी रहे हैं, मेल्ट हो गई है। ट्रैक के साइड्स में देखने में इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि पूरी स्नो ही स्नो दिख रही है और पेड़ इतने सुंदर लग रहे हैं, लेकिन हवा बहुत चिल्ड है यहाँ पे।
टिया का स्टैमिना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, पर अभी हमने पूछा यहाँ से कितनी ऊपर है तो उन्होंने 400 मीटर बताया, लेकिन यहाँ से देखिए पेड़ शुरू हो गए पूरे, कितने वाइट, बिल्कुल वाइट हो गए, और बस अब इंतज़ार है स्नोफॉल का। आज हम च्युइंगम चबाते हुए ट्रैक कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा मिल रहा है हमें। चल बेटा बेटा यहाँ से बड़े आराम से चलना पड़ेगा, ठीक है, आराम से स्टिक के साथ। रेलिंग भी चिल्ड हो रही है। जय माता दी, हम पहुंच गए फाइनली। वाओ, तो हम पहुंच गए हैं माता रानी के दरबार में। जय माता दी। और देखिए ऐसी पौराणिक मान्यता है इस मंदिर की, इसे शक्तिपीठ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे ये कहानी है कि जब हिमालय के राजा दक्ष ने कनखल में यज्ञ कराया था तो माता सती और भोलेनाथ को बुलाया नहीं था, आमंत्रित नहीं किया था, और इसीलिए माता सती क्रोधित हो गई थी और उन्होंने वहाँ पर जाकर यज्ञ में अपनी आहुति दे दी थी। इस पर जब ये पता चला भोलेनाथ को तो वो क्रोधित हुए और उन्होंने त्रिशूल पर माता सती का शव लेकर पूरे आकाश में भ्रमण किया था और जहाँ जहाँ उनके शव के टुकड़े गिरे थे वो शक्तिपीठ कहलाई। ऐसी 9 जगह हैं जिनमें से एक जगह ये भी है जहाँ पर माता सती का सिर गिरा था और इसीलिए इसे सुरकंडा देवी के नाम से जाना जाता है। जय माता की। बच्चे अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इनको कि इतनी स्नो मिलेगी यहाँ पर। मंदिर के पूरे चारों तरफ प्रमाइसिस में यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, तो हम बर्फ में परिक्रमा लगाते हैं और उसके बाद गर्मा गर्म मैगी खाते हैं, जो अभी किसी ने कमेंट करके भी लिखा था कि उत्तराखंड का स्टेट फूड बनने वाला है जल्दी, तो देखते हैं कब बनेगा। वो तो है अब खाएंगे वही। ऐसी भी पौराणिक मान्यता है कि जब देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ और राक्षसों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था, तब सभी देवताओं ने मिलकर यहाँ पर माता से अपनी मन्नत मांगी कि हमें विजय प्राप्त हो, और ऐसा हुआ भी। जब राक्षसों के साथ देवताओं ने युद्ध किया तो उन्हें विजय प्राप्त हुई। इसी तरह से कहा जाता है कि माँ सबकी मन्नतें पूरी करती है, और आपकी भी मन्नतें पूरी हो और हमारी भी मन्नतें पूरी हो। जय माता की। और ये स्नोफॉल शुरू हो गया, आई थिंक बहुत हल्का हल्का है, पता नहीं कैमरे में कैप्चर हो रहा होगा या नहीं, बट हाँ हम तो मजा ले रहे हैं। यस यस, स्नोफॉल फाइनली, आज स्नोफॉल मिल गया हमें, हमारे सर पे भी है, मेरी आंखों में आ रहा है, अब ठंड नहीं लग रही। वाह, ये देख कपड़ों पे आ गई। ये देखो फाइनली विदित, आज हमें देखो माता रानी ने सुन लिया, हमारा सपना सच हो गया है, आज हमने स्नोफॉल होते हुए देख लिया है। बिल्कुल कॉटन की तरह है ये, सॉफ्ट, और अब ठंड भी नहीं लग रही है। अच्छा यहाँ खच्चर भी है, स्नोफॉल नहीं था। हाँ इंस्टाग्राम पे लाइव आ सकते ना दिया, आराम से स्लो, ये बहुत ज्यादा स्लिपरी है इधर। मैगी, और अब हम स्नोफॉल में खाएंगे गर्मा गर्म मैगी। भैया जल्दी से मैगी बना दो। ये तो ज्यादा बढ़ती जा रही है ये। गर्मा गर्म मैगी खा के मजा आ गया, बहुत अच्छा है। भैया आपने मैगी बहुत अच्छी बनाई है, स्पाइसी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है विंडशील्ड पे, बिल्कुल आप बर्फ देख सकते हैं, हमें कुछ नहीं दिख रहा इसलिए हम अंदाजे से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि हमें मसूरी पहुंचना है। आज तो मजा आ गया सच में, क्यों बच्चे मजा आया? मैं शीशा खोल के देखती हूँ। ओह वाओ, ये देखिए मजेदार, सब कुछ वाइट हो चुका है और पेड़ इतने सुंदर लग रहे हैं,
ऐसे लग रहा है बिल्कुल हम लोग जन्नत में आ गए हैं। आज तो मजा आ गया। माँ सुरकंडा देवी ने देखिए विश भी पूरी कर दी और इतना सुंदर सुहाना मौसम कर दिया है। बस अब हम आ गए हैं धनौल्टी की तरफ, क्योंकि बर्फ इतनी तेज थी हमें लग रहा था हम रास्ते में ही ना फंस जाएं। अब हम जा रहे हैं धनौल्टी से होते हुए मसूरी और वहीं पे आज स्टे करेंगे। और आज मैं तो सोच रही हूँ 5 बजे लाइव है, उसमें भी पहुँचना है। बर्फबारी के बीच भुट्टे खाने का मजा अपना ही है, और साथ में अगर कुछ लोग गाड़ी गलत पार्क कर दे तो ट्रैफिक का मजा भी अपना ही है। यहाँ पे लोग मैगी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं और भुट्टे खा रहे हैं, लेकिन साथ ही क्योंकि एक दो गाड़ियां बीच में गलत खड़ी हुई थी इसलिए ट्रैफिक जाम में भी फंसे हुए हैं। और ये देखिए ये है ड्राइविंग स्किल्स, कितने नैरो रोड पर होंडा अमेज आ रही है, क्योंकि यहाँ मॉल रोड पे ना बहुत डिफ़िकल्ट है गाड़ी पार्क करना, और जो यहाँ की पार्किंग है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम प्रेफर करते हैं गाड़ी ऊपर ही ले जाना। तो हम जा रहे हैं अपने फेवरेट होटल सनी कॉट में और पार्किंग हम ऊपर ही करेंगे। और देखिए यहाँ भी स्नोफॉल हो रहा है अभी तक। हम आ गए होटल सनी कॉट अपने फेवरेट होटल में, और जैसा कि मैंने दिखाया नैरो है थोड़ा सा ऊपर आने के लिए गाड़ी का, लेकिन हमने पार्क यहीं पे की है। अमेज आ गई है तो आप समझ सकते हैं कि आराम से सेडान कार्स आ जाती है। हाँ थोड़ा नैरो है तो आपको ड्राइविंग स्किल्स अच्छे चाहिए, लेकिन अगर होटल की बात करें तो मुझे यहाँ बिल्कुल अपनापन सा लगता है। अब जल्दी से बच्चे हो गए सेट अंदर और गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाते हैं। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन क्योंकि स्नोफॉल हो रहा था वहाँ पे इसलिए देना भूल गई हूँ, तो मुझे अभी मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी तो मैं आपको वो चीज़ें भी बता देती हूँ। पर देखिए होटल में आके थोड़ा सा एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ गर्माहट है, बाहर ठंडा है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको ये होटल मिलता है। और हमारा फेवरेट रूम, मैं आपको मेरा फेवरेट रूम दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है और बिल्कुल रेस्टोरेंट के साथ ही हमारा रूम। तो उनको मैंने पहले ही बोल दिया था कि हमें हमारा फेवरेट रूम ही देना। हेलो, बच्चे सेट हो गए हैं अंदर आके, ठंड लग रही है इनको। इन्होंने बहुत मस्ती की आज स्नोफॉल में। बेटा टीवी ऑफ करना एक बार। तो माता सुरकंडा देवी के आज बहुत अच्छे दर्शन हुए। मंदिर मैं बताना चाहती हूँ समुद्र तल से ये लगभग 3000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, और बहुत मान्यता जिस तरह से हमने आपको बताई सिद्धपीठ है ये। और अगर ट्रैक की बात करें तो नीचे हमने पूछा था कि कितने किलोमीटर का ट्रैक है, क्योंकि बच्चे साथ में थे तो उन्होंने हमें 2 किलोमीटर बताया था, लेकिन जब हम चल रहे थे क्योंकि हमने अभी पीछे देवरिया ताल भी किया है, उससे पहले तुंगनाथ जी भी किया था, तो थोड़ा चलने से अंदाज़ा हो जाता है 2 किलोमीटर से कम ही है, लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास आप मान सकते हैं। बच्चे थे साथ में इसलिए हमें आज 1.25 घंटा लगा था शायद ऊपर जाने में। हमने 12:15 बजे ट्रैक शुरू किया था, 1:30 बजे हम शायद पहुँच गए थे, और आते टाइम क्योंकि स्नोफॉल था और बड़े एक्साइटमेंट में हम लोग नीचे आए, लेकिन कोई स्लिप नहीं हुआ। काफ़ी लोग बीच में स्लिप भी हो गए थे, तो आप जाएं तो थोड़ा ध्यान से जाएं इस टाइम पर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जाने का जो बेस्ट टाइम है, अगर स्नोफॉल देखना है तो यही बेस्ट टाइम है, अदरवाइज समर्स में आप जाएंगे तो वहाँ पर वेदर हमेशा ही आपको ठंडा मिलता है, बहुत अच्छा वेदर मिलता है। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और काफ़ी यूज़फुल भी रहेगा आपके लिए। सबने स्नोफॉल बहुत इन्जॉय किया होगा हमारे साथ ही। नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्दी मिलेगा, तो उसके लिए आप वेट कीजिए। तब तक इसी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी है OTA एक्सपर्ट, वो ज़रूर फॉलो करें और मैसेज कर सकते हैं वहाँ पर। जल्दी मिलते हैं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।